पूरी रात बाहर रहना है क्या? नहीं, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। वो साल में आज मैंने पहली बार, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे, 1.5 साल तो हो गया, मैंने पहली बार इतना कैश निकाला है। ये 80 यूरो, 50 यूरो, 20 यूरो एंड 10 यूरो, ठीक है। तो कैश मैंने निकाल लिया है, पावर बैंक रख लेते हैं, सारा सामान चेक हो गया है, और 9:30 बजे 9:20 की हमारी फ़्लाइट है। एंड आई एम लिटिल नर्वस, मेरे चेहरे पे भी दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप में। एंड आई एम नर्वस, ऑनेस्टली आई एम नर्वस, आई वॉन्ट लाई, हाँ मैं काफ़ी नर्वस हूँ, क्योंकि मैंने सोलो ट्रिप करना स्टार्ट ही करी थी, और मैंने इंडिया में शायद एक सोलो ट्रिप करी थी, और फिर कुछ कुछ ऐसे आधी आधी सोलो ट्रिप करी थी, मतलब मैं उनको सोलो नहीं मानती, मतलब मैंने ट्रैवल बहुत किया है ऐसे, सोलो मैंने एक ही ट्रिप करी है जो मैंने व्लॉग करी है पूरी, ठीक है। तो उसके बाद मैं सीधे उठ के आ गई, मैंने सोचा था मैं और भी सोलो ट्रिप करूँगी, बट मैं यहाँ आ गई, बट नाउ फिर मैं यहाँ आई, और फिर इतना टाइम से मैंने सोलो ट्रिप किया, ट्रिप्स ही नहीं करी है, बट दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप, एंड ऑनेस्टली आई एम नर्वस, बट ठीक है। फ्राइडे है, फ्राइडे की शाम है, इट्स जस्ट अ वीकेंड गेट अवे कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हम संडे की रात को वापस आ जाएंगे, एंड होपफुली मैंने पैक कर लिया, बहुत लाइट पैक किया है, ठीक है। ये बैकपैक में मेरा सामान रहेगा ताकि मैं आराम से कर पाऊँ चीज़ें, तो ओके कम बातें करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब बताऊँगी, बट फटाफट पैक करके और निकलते हैं। यार मैं थोड़ा सा लेट हूँ, ठीक है, थोड़ा नहीं, मैं बहुत लेट हूँ, मेरी 9:20 की फ़्लाइट है और 7:40 होने वाले हैं, 7:40 में मेरी यहाँ से बस है, और अराउंड 30-40 मिनट मुझे पहुँचने में लगेंगे, एंड पता नहीं, मतलब होपफुली हम ये सोलो ट्रिप कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे मेरे पास आधा घंटे होंगे या उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, लेट्स सी हाउ इट गोज, प्लीज लेट्स होप फॉर द बेस्ट, गुड राइड आईशी, गुड गुड गुड, कुछ तो अच्छा होगा। और ये हेलसिंगी में ना बारिश जो है अथाह रखी है, मतलब देखो पूरा पानी बह जा रहा है, ठीक है, अचानक से टेम्परेचर थोड़ा अप है, कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही है, स्नो मेल्ट हो रही है, पूरा किचकिच हो रखा है। जब ऐसी कोई डेडलाइन होती है ना और आप लेट होते हो तो पूरी दुनिया लेट चल जाती है, बसेस यहाँ लेट नहीं आती है, ट्रेन भी नहीं होती है, नो कमेंट्स। ऐसा नहीं हो सकता यार, पहली ट्रिप है, शुड गेट स्टार्टेड, शुरू होने से पहले नहीं, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। एक तो ये देखो पूरा पानी बह रखा है, ठीक है, और मैं इतना भाग दौड़ के आई हूँ कि मेरे शूज़ गीले हो गए, जैकेट भी गीली हो गई है, इतनी बारिश हो रही है, पागल हो गया सब, ट्रेन आ जाए बस मेरी, एंड हम जा रहे हैं, नो हम जा रहे हैं घर, नो 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 नो, हम जा रहे हैं, नो बैड वर्ड्स, हम जा रहे हैं बस, हम मतलब मैं और आप बस, मैं सोलो ट्रिप में हम बोलती हूँ, मैंने 1.5 साल से करी नहीं है, बट तब भी मैं हम बोल रही होती हूँ, गेट इट गाइस, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, बिना भागे कोई ट्रिप चालू क्यों नहीं होती है, चलनी रेस 400, ठीक है, लेट्स सी, ओके सिक्योरिटी हो गया है, चेक इन हो गया है, मतलब चेक इन सिक्योरिटी लगेज तो था नहीं, वो कैबिन बैग ये था बस, तो हो गया गेट नंबर 20, ऐसा कर देती हूँ, ओके 9:20 की फ्लाइट है, गेट नंबर 20 है, लेट्स गो। ओके ठीक है, सब कुछ हो गया और मैं पहुंच गई हूँ गेट पे। यार ये चीज़ अच्छी है कि 8:20 पर मैं एयरपोर्ट पहुंची थी, और सरप्राइजिंगली 8:30 हो रहे हैं और मैं अपने गेट पे हूँ, यहाँ पे चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, आपको बैग से सामान वगैरह भी नहीं निकालना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी में, क्योंकि यहाँ पे मशीन काफ़ी एडवांस है, मतलब वो सब अंदर से चेक हो जाता है, बस जैकेट उतारनी पड़ती है, तो वो उतारती थी मैंने, एंड मैं लिटरली 8:20 पर नीचे थी रेलवे स्टेशन में, और अभी 8:30 पर मैं गेट पर हूँ, 9:20 की फ़्लाइट है, बैठते हैं थोड़ा आराम से, बहुत भाग के आई हूँ, मैं थक गई हूँ।
ट्रिप चालू होने से पहले ये हालत ख़राब हो गई है, बट फाइनली फ्लाइट ले ली है, जो कि मुझे लग रहा था कि ट्रिप स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। वो ट्रिप स्टार्ट नहीं है, मेरे पास घंटे की फ्लाइट है और एक घंटे बाद हम हमारी डेस्टिनेशन पर आएंगे। तो 9:20 पे हम टेक ऑफ करेंगे और 10:20 पे हम लैंड करेंगे। क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। होपफुली लुक एट मी, पूरी हालत ख़राब हो गई है सफ़र के शुरू में, बट ठीक है चलते हैं। थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई फ्लाइट, लेकिन हम पहुंच गए। एंड अभी मुझे सबसे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि मैं मैगी खा के निकली थी, तो पहले कुछ खाने का देखते हैं। तो एक घंटे की फ्लाइट पर हम पहुंच गए, 10:30 हो रहे हैं। लेट्स सी कुछ खाने के लिए है क्या यहाँ पे। खाने का तो मुझे कुछ दिखा नहीं एयरपोर्ट में, और मैं बाहर निकल गई हूँ, पर ठीक है कोई नहीं, देखेंगे कुछ। बस देख लेते हैं सबसे पहले अपनी। अब बस लगी है 22 नंबर की बस है मेरी, जो कि और मुझे नहीं पता है यहाँ से टिकट लेनी होती है बाहर से, बट ट्राई करते हैं अगर शायद सीधे बस से टिकट ले पाए। तो मैंने पूछा तो है, शायद ले सकेंगे, नहीं होगा तो ये बस तो छूटेगी वैसे भी, तो ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। खाने का कुछ नहीं मिला है, देखते हैं यार। हेलसिंकी के एयरपोर्ट में ऐसा निकलते ही बहुत सारा कुछ खाने का यहाँ तो नहीं है, बट अभी जाने का तो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ फोकस करते हैं। लंबी सी बस है बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसे बड़ी लॉन्ग बड़ी वाली है, अभी तो एयरपोर्ट से ही जा रही है ये। थैंक यू। Bien pasmita novembra krastvala. दिनों बाद मैंने बस में इतनी भीड़ देखी, कसम से पूरी बस भरी हुई थी, मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना कंजेस्टेड खड़े थे। और आदत नहीं है तो बहुत अजीब लगता है, बट एनीवेज यहाँ से वॉकिंग है मेरा। बट सबसे पहले कुछ खाने का देखते हैं, कुछ खाने का अजीब अजू होता है, उसके बाद फिर चलेंगे घर। अंडरग्राउंड थोड़ा सा अजीब तो लगता है, वैसे भी फिरने नहीं हमारा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जहाँ इतना हो ही गया है तो पहले चलते हैं रूम, वो भी हमारा काफ़ी लेट चेक इन है, मतलब मैं रात के 12 बजे चेक इन करूँगी। तो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं, चेक इन तो हो जाएगा। मतलब उन्होंने मुझे मेल भेज दिया है, सेल्फ चेक इन कैसे करना है उसका, वो मैं वहीं जाके बताऊंगी। पहले यार फटाफट चलते हैं, 500 मीटर वॉकिंग है। आई थिंक मैं बाहर निकल गई हूँ। वैसे रीगा इज़ फेमस फॉर नाइट लाइफ, और मुझे ऐसे एंटर करते ही वाइब मिली थोड़ी, मतलब ऐसे कुछ तो वाइब मिली अच्छी अच्छी, पर ठीक है। चलो पहले हमारा हॉस्टल देखे, कुछ खा ले, पेट पूजा कर लेनी चाहिए, अच्छा लग रहा है।
ओके यहाँ पे सब कुछ है और सब कुछ ओपन भी है, लाइक हैश बर्गर है, बर्गर किंग है, ठीक है। आई थिंक आई शुड गो विद बर्गर किंग। वैसे तो मेरा एक वो होता है कि और आई कैन गो विद हैश बर्गर ऑल्सो, क्योंकि अब तो 12 बजने वाले हैं, मतलब मैं चिकन नहीं खाती हूँ आफ्टर 12, तो जब वेज ही खाना है तो हैश बर्गर ही चलते हैं। चलो यहाँ पे ऐसे ना सेल्फ चेक इन नहीं था, सॉरी सेल्फ ऑर्डरिंग नहीं था, क्योंकि फिनलैंड में आदत हो गई इस चीज़ की, तो फिर मैंने वहाँ से जाके ऑर्डर किया और सब कुछ फिर से, अब आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज चलती है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, लताविया रीका जो भी है, बट वो उसमें लिखा हुआ था तो देन आई ट्रांसलेटेड। और फिर अभी मैंने वेज बर्गर एंड फ्राइज ऑर्डर किया है, मुझे लग रहा है कि यहाँ सस्ता है रीका, 4 यूरो में मेरे फ्राइज और थोड़ा वेजी बर्गर हो गया। मेरा हॉस्टल पास में है, लाइक 100 मीटर है। पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ तो सामान रखा हूँ फिर आऊँ, तो मुझे लग रहा है मैं लेज़ी ना हो जाऊँ, 12 तो बज ही गए हैं, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद चले। वेज बर्गर एंड फ्राइज कुछ एक्सेस। उन्होंने मुझे मेल किया था कि एक बॉक्स होगा बाहर, उसके अंदर की होगी और उसका कोड मिल गया था, आई थिंक वो यही है। लेट्स गो। मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे तो नहीं खुला है, ये भी कुछ उसको ट्राई करते हैं। ये मुझसे नहीं खुल रहा, मुझे पूरी रात बाहर रहना है क्या? इन्होंने मुझे कोड दिया, इन्होंने बोला कि इसे खुल जाएगा, रिसेप्शन बंद हो गया, कोई यहाँ भी नहीं रहा यार, ऐसे थोड़ी होता है। काम ना नाइशी, वन मोर ट्राई। फाइनली इन, 4th फ्लोर पे रूम है मेरा, रात हो गई है, सब बंदे बाहर, बहुत हैपनिंग है, सब बाहर हैं, एवरीवन इज एंजॉयिंग यहाँ वहाँ। एंड क्या गया है, शी इंग्लिश से आ गया एक्चुअली, हाँ क्योंकि मैं उन्हें भी बात करके आ रही हूँ। भाई उस बंदे को मैंने बुलाया फ़ोन करके इमरजेंसी नंबर पे, क्योंकि मुझसे नहीं खुल रहा था। एंड वो बंदा जो है ऑर्गेनाइजर, वो यहाँ पे पार्टी कर रहा था आजू बाजू, तो वो आ गया, लकीली सोया नहीं था। एंड या देन इट्स गुड, चलते रूम देख के। फूल वाली आ रखा है यहाँ से, अरे मेरे से नहीं चलता, इन लोगों से चल जाता है। लेट्स ट्राई। अगेन ट्राई। गुड मॉर्निंग पीपल, आज है सैटरडे। एंड कल क्या हुआ, कल ये हुआ कि मैं आई हॉस्टल और उसके बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में, फ़ोन वोन करने के बाद में हमारा दूर खुल गया था, और फिर मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट डेड हो गया था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट या अब सुबह हो चुकी है और मैं अपने इस छोटे से प्लेस में सो रही हूँ। ये बेसिकली मेरा हॉस्टल है, तो हॉस्टल में ऐसे बंकर बेड्स होते हैं, तो मेरा ऊपर वाला बेड है, तो मैं सो रही हूँ। ओके एंड उठते हैं, 9 बज गए हैं, घूमने जाना है, उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं एंड चलते हैं घूमने। एंड येस वन थिंग, मैंने शायद तुम लोग को डेस्टिनेशन दिख बताया ही नहीं, क्योंकि मैं भूल ही गई इतनी सारी चीज़ों में कि मैं कहाँ आई हूँ। थंबनेल से तो पहले ही समझ आ जाएगा, बट स्टिल आई एम हेयर इन रीगा, जो कि फिनलैंड से
बाई फ्लाइट एक घंटे की दूरी में है। रीगा इज़ कैपिटल ऑफ लातविया, तो लातविया एक कंट्री है जिसका कैपिटल है रीगा, तो मैं वहाँ पे आई हुई हूँ। एंड ठीक है, मैं अभी उठते हैं फिर हम चलते हैं घूमने के लिए। एंड रूम में आपको अभी दिखाऊँ या रात में दिखाऊँ, भाई सो मच कन्फ्यूजन, बट हाँ मैं उठ के फ्रेशन अप होती हूँ फिर चलते हैं। ये मेरा बंक पर चार्ज लगा के रखा है मैंने पूरा, थोड़ा सा सामान मेरा यहाँ पर फैला हुआ है। एंड मतलब बेसिकली इस रूम में चार बेड है, ठीक है। तो ये पूरा स्पेस है। ऐसे हल्का जो रेनी सीज़न होता है ना वैसा फील आ रहा है। स्नो नहीं है, स्नो नहीं देख के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने इतनी स्नो देख ली है। जो बंदी रात में इस वाले बेड में थी वो पोलैंड से थी, एंड क्योंकि जब इतना सब पचड़ हो रहा था, ठीक है, मतलब लॉक नहीं खुल रहा था और वो सब, तब वो थी एंड उसने काफ़ी हेल्प करी मेरी। बट ठीक है, एंड अब हम चलते हैं यार, अब रेडी होते हैं फाइनली, बहुत ज़्यादा बड़बड़ होगी। अच्छा ठीक है, तो हॉस्टल का नाम और प्राइस, क्योंकि मैं नहीं बताती हूँ फिर तुम लोग प्राइस पूछते हो, तो ये जो है ये मुझे पड़ा है 50 यूरो में दो दिन का हुआ है, मतलब 25 यूरो पर डे के हिसाब से मुझे रूम मिला है, विच इज़ आई थिंक ओके। अभी बाहर चलते हैं, इसमें वॉशरूम अटैच नहीं है, वॉशरूम वगैरह सब पब्लिक हैं, ठीक है, और रूम्स हैं, एंड लिफ्ट नहीं है, एक ड्रॉबैक है। बट ठीक है, मुझे पता था कि नहीं है, बट क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन थी, मतलब लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तीन चार हॉस्टल मैंने दिखे थे, मतलब जैसे स्ट्रीट मैंने रात में दिखाई, अभी मैं बाहर चल के दिखाऊंगी, प्रॉपर ओल्ड टाउन में ही हॉस्टल है, ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ ठीक है इस पर जाना चाहिए, ये ले लेना चाहिए, तो मैंने ये लिया है। तो बेसिकली हाँ 25 यूरो का है प्राइस, एंड आई थिंक मुझे पसंद आया हॉस्टल। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया, नीचे कुछ प्ले एरिया वगैरह भी हैं और भी चीज़ें, तो अब रेडी होकर चलते हैं, निकलते हैं, निकलते हुए मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, उसके बाद फिर हम घूमने चलते हैं। सो या एंड वेदर भी सही है, आई थिंक बहुत ज़्यादा ठंडी है, सो आई कैन गेट रेडी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी भी तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी, अभी जैकेट तो मैं पहनूंगी नहीं, आई थिंक आई एम डूइंग टू मच बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मैं रेडी होकर मिलती हूँ, फिर नीचे चलते हैं, घूमने करना स्टार्ट करते हैं। रूम से बाहर निकलते ही लाइन से ना सारे वॉशरूम्स हैं, मतलब शार रूम है और वॉशरूम दोनों ही हैं, बट कंपैरेटिवली मतलब हर फ्लोर में सारे फ्लोर्स में वॉशरूम है ऐसे, तो ये मेरा फ्लोर है, लाइक फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली पब्लिक के हिसाब से, लाइक कॉमन वॉशरूम के हिसाब से, इट्स वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक, ये थी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे वॉशरूम है एंड उसके बाजू में ही शावर रूम है, तो ऐसे मल्टीपल वॉशरूम एंड मल्टीपल शावर रूम हर फ्लोर में उन्होंने दिए हुए हैं, तो काफ़ी हैं। उसके बाद ये वाला एरिया है जहाँ पर से वॉश मशीन वगैरह एंड कुछ बेसिक चीज़ें टूथपेस्ट वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे, एंड इट वाज नाइस। मतलब मैं जनरली से कॉमन वॉशरूम नहीं प्रेफर करती बिकॉज ऑफ हाइजीन थिंग, बट इट वॉज नाइस, आई मीन क्लीन था काफ़ी, तो आई वॉज ओके विथ इट। एंड फिर ये कॉमन स्पेस था, लाइक ऐसे थोड़ा सा सिटिंग का, उन्होंने चेयर वेयर भी लगा रखी थी यहाँ पर, और ये हर फ्लोर में था। इसके बाद रिसेप्शन में थोड़ा सा अलग नीचे प्ले एरिया टाइप्स है। फाइनली बाहर चलते हैं, 60 डिग्री हो रखा है बाहर, इसलिए मेरी हिम्मत हो गई है कि जैकेट की जगह शर्ट डाल दिया जाए। अंदर मैंने एक दो इनर्स पहनी हुई है और ये पहने, तो होपफुली काम हमारा आराम से चल जाएगा। अब चलते हैं नीचे। Thank you.